तो कैसे हैं दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप सब स्वस्थ है, सब मस्त है। तो पिछले ब्लॉग में देखा था मैं लाल बांध को कवर किया था, तो ये उसी के कुछ क्लिप्स हैं। पिछले वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, तो जरूर से चेकआउट करना कैसा है लाल बांध। तो आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए इसलिए आप लोगों को ज्यादा दिखा नहीं पाया। ये है लालगढ़ प्राकृतिक उद्यान। तो आज के वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ लालगढ़ पार्क, जो विष्णुपुर में काफी फेमस है। स्पेशली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लोग के लिए ये डेटिंग प्लेस है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। कैसा है, आप लोग को जाना चाहिए या नहीं, थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। पार्क तो वैसे काफी सुंदर था, घुसने के साथ साथ नजारा बहुत अच्छा था। और ये सामने एक कुआं जैसा दिखता है, जो एक लोकल बंदा था मेरे साथ, उसने बोला कि यहाँ पे सामान कुछ डंप करते थे या फिर कुछ पनिशमेंट करते थे, कुछ भी करते थे पता नहीं, लेकिन इसके अंदर मछली थे। तो हम लोग वही देखने का कोशिश कर रहा था, बहुत बड़ा बड़ा मछली था। अच्छा है, अच्छा ही बना के रखा। ये बड़ी सुंदर है, बैठने का बनाया हुआ अच्छा सा। तो यहाँ पे बेसिकली बैठने के लिए एक मस्त सा लकड़ी काट के अच्छा से बनाया हुआ था। फिर हम लोग को एक गुफा जैसा कुछ दिखा, तो उसके तरफ बढ़ गए। कुछ ज्यादा ही अंधेरा है। मैं तो डर रहा था सांप उप ना निकल जाए, लेकिन फाइनली थोड़ा देर चलने के बाद दूसरे एंड तक पहुंच जाते हैं। ये ज्यादा लंबा नहीं था, आई थिंक अराउंड 50-60 फीट होगा। फिर हम लोग वहाँ से बाहर निकाल के थोड़ा प्ले एरिया था, बच्चों के लिए झूला उला लगाया हुआ था। लेकिन हम लोग एक्चुअली ये 6 बजे बंद हो जाता है, तो हम लोग लेट आए थे। ये ऑलमोस्ट 6 बजने वाला था, तो कोई था नहीं पार्क में। अब पता नहीं बच्चे यहाँ आते हैं कि नहीं, मुझे तो लगता है सिर्फ वही डेटिंग साइट है ये एक्चुअली। फिर मेरे साथ जो भाई थे वो बोले यहाँ पे एक वॉच टावर है, वहाँ चलते हैं। तो हम बोले चलो देखते हैं क्या हो उसमें खास। ऊपर से ऐसे ये पार्क अच्छा दिख रहा था, तो हम लोग जंगलों के बीच में ऐसा फील हो रहा था जैसे कि हम लोग ट्रेकिंग कर रहे हैं। सच बोलूँ तो इस जगह को ठीक से मेंटेन नहीं किया गया था, और आई थिंक 10 रुपीज टिकट लिया इसमें एंटर करने के लिए। तो टिकट ले रहे हैं उस हिसाब से मेंटेन करना चाहिए, लेकिन है नहीं। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे वैसे भी सब डेटिंग साइट ही है। तो कुछ पुराने कंस्ट्रक्शंस थे, मुझे लगा ऊपर चढ़ पाएंगे कि नहीं, लेकिन फिर किसी ने बोला कि हाँ आप जा सकते हो ऊपर। तो मैं सीढ़ी का रास्ता पकड़ लिया और ऊपर जाने की कोशिश किया, और फर्स्ट फ्लोर पहुँचते ही नज़ारा कुछ ऐसा था। अगल बगल वैसा कुछ था नहीं, तो सिर्फ पेड़ दिख रहे थे। फिर मैं सोचा कि और थोड़ा सा ऊपर चला जाए, क्योंकि ऊपर में और एक लेवल है, यही मैक्सिमम ऊपर आ सकते हैं। ऊपर भी है लेकिन पता नहीं जाने जाते हैं कि नहीं, बुरा हाल। तो सीढ़ी का हाल बहुत बुरा था, तो ऊपर गए नहीं, तो सेकंड फ्लोर तक गए, फिर नीचे आ गए। फिर वहां से हम लोग निकल गए, क्योंकि एक्चुअली बारिश के चलते हम लोग लेट निकले थे, तो शाम होने वाला था और कुछ दूसरा एरिया भी जाना था। तो मैं फाइनली पार्क से बाहर आ गया। फिर अपना टोटो में बैठ के भाई को बोला ले चलो और क्या क्या है। तो फाइनली एक हिस्टोरिकल प्लेस में पहुंच गया, जहां पे मुझे सूट अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं चोरी छुप के कुछ ले लिया हूं। तो वही मैं आपको दिखा रहा हूं। इस जगह का नाम तो मुझे भी ठीक से याद नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा था बाहर से देखने में। और ये भी इसका क्लोजिंग टाइम 5 o'clock है, तो हम लोग को बोला अंदर नहीं रह सकते हो, तो बाहर से सूट करने लगे और फिर बाहरी से शूट करने लगे, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकते थे। और ये है, ये जो भी क्लिप देख रहे हैं, ये काफी अंधेरा हो चुका था। मैं एडिटिंग के द्वारा थोड़ा सा इसमें लाइट लाया हूँ, तो पता नहीं क्वालिटी कैसा आ रहा होगा। और ये जो भी देख रहे हैं, ये बस स्पेशली मुझे अलाउ किया गया था, बोला कि हाँ भाई आप आए हो इतना दूर से, तो अंदर जाके देख लो। मैं फटाफट फिर कैमरा लेके दौड़ा, छोटा सा कैमरा था, शूट कर लिया, कोई बात नहीं। ये भी एक गार्डन था, गार्डन अच्छा था, लेकिन काफ़ी अंधेरा हो चुका था। ये सिर्फ एडिटिंग के चलते आप लोग को लाइट दिख रहा है।
और ये कुछ इंडिया गेट जैसा बना हुआ है, कुछ था गेटवे जैसा था, अच्छा था लेकिन जो भी, लेकिन काफी अंधेरा था। तो बस यही था बिष्णुपुर का जर्नी। फिर मैं अगला दिन बस पकड़ के निकल पड़ा आरामबाग के लिए और आरामबाग पहुंच गए, टोटो पकड़ के रेलवे स्टेशन पहुंच गया, फिर मेरा ट्रेन आ गया, ट्रेन में बैठ गए, नज़ारे का लुत्फ़ लेते हुए अपना घर पहुंच गया। तो इसी तरह का ट्रैवल वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा। यार वीडियो में अगर नए हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। फिर मिलते हैं किसी नए जगह में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।